पियानो, जर्नी ऑफ द मेजाई बाय टीएस एलियट, पेज वन है। क्वेश्चन नंबर देना है, जर्नी ऑफ द मेजाई इज अ रिलीजियस पोएम बाय टीएस एलियट। ही इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द मॉडर्न एज। ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर द वेस्टलैंड, मर्डर इन द कैथीड्रल, द फैमिली यूनियन एंड द कॉकटेल पार्टी। फुल स्टॉप। द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द मेजाई आर डिस्क्राइब्ड इन जर्नी ऑफ द मेजाई। जो संकट हुआ इस यात्रा में उसको दिखाया गया है। हु वर द मेजाई, प्रश्न, मेजाई कौन थे? दे वर द थ्री वाइज मैन हु ब्रॉट प्रेजेंट्स टू बेबी क्राइस्ट। ये लोग तीन अकलमंद होशियार थे जो बेबी क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उसके लिए उपहार लाए। कौन? और क्राइस्ट कौन है? क्राइस्ट इज गॉड फॉर द क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस का ये ईसा मसीह भगवान है। द पोएम इज सिम्बॉलिक, प्रतीकात्मक है। देयर आर मेनी डिफिकल्टीज व्हेन वी मूव ऑन द राइट पाथ। सही रास्ते में चलते हैं ना तो बहुत संकट होता है, यही दिखाया गया है। अब हम पेज टू में आ रहे हैं। जानू बेटा मेरा, देखो फिटिंग ठीक हुआ ना पेज का? यस, थैंक यू जानू। अब देखिए क्या डिफिकल्टी थी। अ कोल्ड कमिंग, पोएम में कोटेशन है, कोटेशन दीजिए, नंबर देगा। वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, सबसे खराब मौसम है, ठंडे एकदम। लॉन्ग जर्नी है, यात्रा बहुत लंबी है। द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, वो कौन है? द 25th ऑफ दिसंबर, जिसको बड़ा दिन हम लोग कहते हैं, क्रिसमस, ठीक है। कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर द 15th। कैमल्स आर टायर्ड, ऊँट सब थक गए हैं। द लेग्स आर इंजर्ड, पैर में जख्म है। द ट्रैवलर्स रिमेंबर द हैप्पी डेज, और यात्रियों को एक्सक्यूज मी खुशी के दिन आते हैं, याद आते हैं। कौन कौन? द समर, सुहाना मौसम है। द सिल्कन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत, एकदम चिकनी चिकनी लड़कियां जो हैं वो शरबत पिला रही है। कैमल मैन वॉन्ट टू रन अवे, और ये लोग जो हैं जो ऊँट को चला रहे हैं वो लोग थक गए हैं, भागना चाहते हैं। दिस इज सिम्बॉलिक, प्रतीक। सम पीपल डू नॉट वॉन्ट द राइट पाथ, कुछ लोग सही रास्ता नहीं चाहते, जहाँ संकट हुआ भागना चाहते हैं। दे वॉन्ट लिकर एंड वुमेन, वो लोग क्या चाहते हैं? लिकर, शराब चाहिए, औरत चाहिए, ठीक है। आफ्टर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज द मेजाई रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन मेजाई जो हैं अपने संकल्प पर हैं, कठिनाइयों को सामना करके वो तो अपना लक्ष्य पहुंच जाते हैं। देयर हैप्पीनेस इज सीन इन, ठीक है जानू, उन लोगों की खुशी कैसे दिखाया जाता है पोएम में? रनिंग स्ट्रीम, अब झरना है, एकदम ताज़ा ताज़ा पानी है। एन ओल्ड वाइट हॉर्स गैलप्ड, घोड़ा एक उजला है, एकदम सफ़ेद घोड़ा है, गैलप करें मस्ती में, तो ये खुशी का प्रतीक है। द पोएट क्वेश्चंस, इज दिस बर्थ और डेथ, अब प्रश्न करता है कभी, क्या ये हम लोग जो यात्रा किए, ये जो ये सब यात्रा किया है ये लोग, ये जन्म है कि मरण है? द बर्थ वॉज लाइक डेथ, ये जन्म जो था ना मरण की तरह था। वी आर रिमाइंडेड ऑफ कोलरिजेस द एंशिएंट मैरिनर, अब देखिए कंपैरिजन है। कोलरिज का एंशिएंट मैरिनर पढ़िएगा तो इसमें क्या होता है, आफ्टर किलिंग द इनोसेंट बर्ड मैरिनर एक्सपीरियंसेस डेथ इन लाइफ। ये जब एक निर्दोष पक्षी को मार देते हैं एंशिएंट मैरिनर, तो उसको जिंदगी में भी मौत का अनुभव होता है, बहुत कष्ट का अनुभव होता है, ठीक है। लास्ट टू लाइन्स ऑफ द जर्नी ऑफ द मेजाई शो द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट इन आर सोसाइटी, वो समाज में जो धार्मिक धर्म के नाम पर टकराव होता है इसको दिखाया जाता है पोएम के अंत में। सम पीपल डू नॉट बिलीव इन वन गॉड, कुछ लोग जो हैं एक भगवान में विश्वास नहीं करते, दे बिलीव इन देयर गॉड्स, बहुत सारे भगवान, हम जैसे हिंदू में बहुत सारे देवी देवता हैं, क्रिश्चियन में एक भगवान है, तो ये सब धर्म में टकराव होता है। जर्नी ऑफ द मेजाई है, ये मेरा लास्ट पेज है, रियलिज्म, इसमें क्या है कि इसीलिए वास्तविकता दिखाता है। द पोएम शोज द प्रॉब्लम इन चेंजिंग रिलीजन, धर्म परिवर्तन करते हैं उसका वो संकट दिखा। जो थ्री वाइज मैन है वो तो क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन वहाँ पर जाकर क्रिश्चियन बन गए, ईसा मसीह को उपहार दिए, तो धर्म परिवर्तन में जो संकट होता है उसको दिखाया जाता है। मेजाई चेंज द रिलीजन, वो धर्म बदल देते हैं, तीन ठो जो होशियार आदमी है, दे बिकम क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन में, बट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है? आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ, कहता है इससे बढ़िया तो मर जाते सो अच्छा। आफ्टर कंसिडरिंग द कॉन्टेंट्स, ये तो यही कविता है, तो धर्म परिवर्तन का जो संकट है उसको दिखाया जाता है। अब देखिए, आफ्टर कंसिडरिंग द कॉन्टेंट्स लेट अस कंसिडर द स्टाइल ऑफ जर्नी ऑफ द मेजाई, अब हम उस स्टाइल को देखिए। द पोएम इज इन फ्री वर्स, ये तो होता ही मॉडर्न कविता में, फ्री वर्स। दिस मीन्स दैट द पोएम डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर राइम और रिदम, कोई खास तुक को नहीं मानता है, तुकबंदी नहीं करता है, फ्री वर्स में।
द पोएम गेट्स इट्स म्यूजिक थ्रू एलिटरेशन एंड एसोनेंस. कविता में संगीत कहाँ से आता है? एलिटरेशन से और एसोनेंस से. देखिए देखिए, सिल्क एंड गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत, एस 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 स्लीपिंग इन स्नैचेस. देखिए एस 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 रनिंग स्ट्रीम, एन एन एम रन एन, ये सब एलिटरेशन. ग्लैड ऑफ अनदर डेथ डीडी, तो उसमें एलिटरेशन है और ऐसे वावल भी है इसमें. देखिए आई है यहाँ पर, आई है, आई है, आई है, इसी तरह कौन सी भी है एलिटरेशन और ऐसे दोनों. टू कंक्लूड, जर्नी ऑफ द मेजा इज अ सिम्बॉलिक रिलीजियस पोइम ऑफ द मॉडर्न एज. दैट्स ऑल, थैंक यू.